our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, मेरे फीवर के साथ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि कल 15 शाबान थी, तो रात में मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने रखा था रोज़ा। तो आज सुबह में मेरा रोज़ा था, तो नाश्ते का कोई रूटीन नहीं शेयर कर रही मैं। जस्ट मैं उठी हूँ और रूम क्लीन किया है, उसके बाद हंजला रज़ा ने किया अपना टूथ ब्रश, उसके बाद ये देखें इसके काम देखें। इन लोगों को ना, बच्चों को ना सिर्फ चीज़ ही चाहिए होती है, इन्हें ये मिल गई ना सारी दुनिया इन्हें मिल गई। तो बस मैंने बच्चों को जल्दी से किया फ्रेश, तो बच्चों को मिशका चुकी आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी तो इसके मज़े थे, तो मैंने दोनों को जल्दी से फ्रेश किया। और बस फ्रेश होने के बाद मिशका बैठ गई अपने फ़ोन पर और जी ये अपने टिकटॉक्स को देख रही थी। उसके बाद मैंने इसको उठाया, मैंने कहा चलो इसे छोड़ो और अपना सबक रिवाइज़ करो। इसकी क्लास तो नहीं थी आज, जो ये ऑनलाइन लेती हैं क्लास, लेकिन इसको फिर भी मैंने कहा कि आप रिवाइज़ कर लो। तो उसके साथ साथ ना हंजला में भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता के, जो ना अगर ये पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूँ। इवन उसे पढ़ना तो आता नहीं, लेकिन वो सिर्फ इस चीज़ में अपनी हैबिट डेवलप कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं साथ बिठा देती हूँ अक्सर। ऐसे ये मिशकात के साथ पढ़ने में इंटरेस्ट भी डालता है और साथ साथ जो ना वो चुप करके बैठा भी हुआ होता है। बस ये देखना होता है कि ये कुरान पाक की बेअदबी ना करे। तो जनाब हमारा रोज़ा था, तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बना रही थी मोमोज। तो हमने आज फर्स्ट टाइम मोमोज ट्राई किए थे घर में। ये इसका डो है और मोमोज की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। इसमें जस्ट स्पाइसेस ऐड किए थे सिस्टर ने और ये रेडी था। मोमोज सिस्टर ने बनाए थे। मेडिसिन मेरी फजर में ली हुई थी तो मैं कुछ बेहतर थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कोई काम कर लेती हूँ, तो मैंने भी इफ्तारी बनाई है। ये देखें हमने कुछ जो है ना मोमोज वो रखे थे एयर फ्रायर में और कुछ हमने स्टीम करने के लिए रखे थे। तो खैर दोनों अच्छे बने थे, दोनों का टेस्ट सेम ही था लेकिन अच्छा था। इसके अंदर जो फिलिंग थी वो ऑलमोस्ट चिकन की थी। सिस्टर ने चिकन और जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो आपने देखा होगा, मुझे ज़्यादा रेसिपी का नहीं पता, सिस्टर इन लॉ ने बनाए थे। ये स्टीम वाले थे और वो जो थे वो हाँ ये वाले थे एयर फ्रायर के, तो दोनों अच्छे ही बने थे। ये हमने इसके साथ रेड चटनी बनाई थी, ये भी अच्छी बनी थी बहुत, लेकिन मुझे चटनी इतनी ख़ास नहीं पसंद आई। जो रेसिपी शायद फूड फ्यूजन की थी लेकिन मुझे चटनी ख़ास अच्छी नहीं लगी। बाकी हाँ मोमोज़ बहुत अच्छे बने थे। घर पर ट्राई करने हैं आपको तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत बल्क क्वांटिटी में बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी डो लें या थोड़े भी इंग्रेडिएंट्स डालें, थोड़ा सा चिकन की फिलिंग डालें तो अच्छे बन जाते हैं। खैर तो यहाँ पर मैं बना रही है जी छोला चाट। तो छोला चाट के लिए मैंने दही मुझे रिक्वायर्ड थी लेकिन दही थी नहीं घर पर। ये थोड़ी सी फ्रीज़ की हुई क्यूब्स थी जो मैं जुगाड़ के तौर पर रखती हूँ कि अगर अचानक से सडनली आपको कुछ चाहिए दही तो मैं रखती हूँ। तो खैर आज ये काम आ गई। साथ में चने जो हैं वो आलू के साथ हल्के से बॉयल हो रहे थे, इवन वो बॉयल थे लेकिन मैं थोड़े और उसे बॉयल कर रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी समोसे। मोमोज़ का जो डो था वो थोड़ा बच चुका था, तो मैंने कहा कि चले छोलों के साथ मैंने जो ना आलू भी बॉयल करने के रख दिए। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, आलू ज़्यादा बॉयल हो जाए तो फिर जो ना आलू के समोसे भी रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर रेडी थे समोसे भी, अब मैं बना रही थी छोला चाट। सिंपल सी रेसिपी है, बॉयल छोले हैं, बॉयल आलू है, इमली की चटनी है, अनियंस हैं और जी रायता जो मैंने जुगाड़ का बनाया हुआ है वो भी है, एंड जस्ट ये हरा धनिया और हरी मिर्च है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने लास्ट में इसमें चाट मसाला डाला था, दैट्स इट। ये बन चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी ये भी। अच्छा जी इफ्तारी रेडी करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो बस बच्चों वाली जो अम्मा होती है ना उन्हें रेस्ट करने का बच्चे कोई भी मौका नहीं देते। तो दोपहर के टाइम वैसे अंजला सो जाता है लेकिन आज ये सो ही नहीं रहा था। तो खैर मुझे इतनी बुखार की वजह से गुनूद की तारी हो रही थी कि मुझे जो ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। खैर अंजला
इसने मुझे सोने तो दिया नहीं, लेकिन मैंने 5 मिनट के लिए आंखें बंद ज़रूर की, क्योंकि अगर मैं आंख बंद भी ना करती ना तो मुझे और फीवर चढ़ जाता और सर में भी बहुत दर्द था उस वक्त। तो खैर अंधेला मुझे सोने बिल्कुल भी नहीं दे रहा, बस ये जो है ना मेरे ऊपर चढ़कर डांस कर रहा था और मुझे पा पर तंग कर रहा था। बस जो है ना जल्दी से फिर मैंने अता को कॉल की कि आप घर आ जाएं, इसे देखें तो मैं आराम करूं। पर अताप से बात की ना उसके बाद ये मेरा सर एक आ गया। रोज़ा खोले पो खाए जो। ओके। रोज़ा खोले पो खाए जो। थैंक यू मम्मा। वेलकम। तो बस सोने तो मुझे वैसे भी हंजला नहीं देता, इसलिए मैं उठ गई थी, इन्हीं के साथ बैठी थी जब तक इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक आ चुका। अब ये ज़रा चेक करें इन लोगों के काम। बस हंजला ने बड़ी ज़िद की कि ज़बरदस्ती मुझे ना कैंडी खिला रहा था, लेकिन मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा रोज़ा था। और जनाब ये देखें अब इफ्तारी का टाइम बहुत ही नज़दीक था और गैस ही नहीं थी। इसके साथ बड़ा मसला क्या हुआ था कि गैस नहीं थी, हमने समझा कि गैस नहीं है लेकिन ऐसा नहीं था। हमारी गैस का जो मीटर है वहाँ से किसी ने वॉल ही निकाल दिया था, पता नहीं वो चोर कौन था हमें नहीं मालूम, लेकिन अजीब किस्म के लोग हैं कि मतलब इतनी बेहयाई कि किसी का वॉल चोरी करके और लेकर जाना। बहरहाल यहाँ मैंने समोसे रेडी कर लिए थे इलेक्ट्रिक स्टोव पर और छोला चाट मैं बना चुकी थी उस वक्त जब गैस थी, दोपहर के टाइम ही फ्रूट चाट भी गैस पर नहीं बनती। तो खैर ये 3 चीज़ें बन चुकी थी इफ्तारी के लिए। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, हंजला रो रहा था, मैं इसी के साथ बैठी थी, इसको चोट लगी थी। तो मुश्कात फातिमा मेरे लिए मेरी मेडिसिन लेकर आई, जल्दी से मैंने ये खाई क्योंकि मैंने रोज़ा खोलने के बाद जो ना वो लेनी थी मेडिसिन, अदरवाइज़ फिर से फीवर चढ़ जाता। फिर जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने जो है वो अपनी मेडिसिन कंप्लीट की। अच्छा हमारे गैस के साथ हुआ गया था कि टाइम पर गैस तो वैसे भी जाती है, उन्हें 4 बजे या 3:30 बजे चली जाती है, लेकिन आ जाती है 6:30 बजे। लेकिन हमने सोचा था कि शायद इफ्तारी के टाइम आ जाएगी, लेकिन रात 10 बजे के बाद भी गैस नहीं थी ना, तो हम परेशान हो गए। जब हमने चेक किया तो हमारे नेबर्स में हमने पूछा तो हमारे नेबर्स के पास थी, हमारे पास सिर्फ नहीं थी। फिर हमने देखा कि हमारे मीटर से जो ना वो वॉल ही निकला हुआ था, किसी ने वॉल ही चोरी कर लिया था। तो ऐसे अजीब किस्म के लोग भी होते हैं जो मतलब इस कदर इस हद तक जो है वो चोरी करते हैं। सो बहरहाल उस वक्त तो हमने वॉल चेक किया तो नहीं था, तो फिर अता जाकर लेकर आए थे और अभी उन्होंने फिट भी कर दिया। लेकिन अब तो सुबह ही आएगी गैस, तो सुबह ही पता चलेगा कि गैस है या नहीं है, तो वो इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। फिर यहाँ पर हमने चाय पी क्योंकि रोज़े के बाद ना जब आप रोज़ा खोलते हो ना तो बस आपको चाय तो लाजमी पीनी चाहिए, मतलब पीनी पड़ती है। खैर गैस की वजह से हमें जो है ना खाना भी बाहर से मंगवाना पड़ा क्योंकि गैस नहीं थी, तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया और जो है उसको एंजॉय किया। आई होप मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।